हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल होप यू पीपल आर डूइंग गुड तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही खूबसूरत गोल्ड बैंगल्स के कलेक्शन आप में से काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी टू तो शो गोल्ड बैंगल्स फ्रॉम भीमा ज्वेलर्स तो इसीलिए हमने विज़िट किया था भीमा शोरूम विच इज़ सिचुएटेड इन मारथाली बैंगलोर और यहाँ पर है कुछ बहुत ही अमेजिंग गोल्ड बैंगल्स के कलेक्शन ये वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि बैंगल्स के कलेक्शन के साथ मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ माई गोल्ड शॉपिंग फ्रॉम भीमा ज्वेलर्स इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें तो चलिए लेट्स बिगिन द वीडियो द फर्स्ट बैंगल दैट यू आर सींग ओवर हियर इज अ पेयर ऑफ ब्यूटिफुल बैंगल्स ये सेट ऑफ फोर है वेट इज़ ट्वेल्व ग्राम्स प्राइस इज़ अप्रॉक्सीमेटली सिक्सटी एट थाउजेंड रुपीज़ तो इसे आप एज सेट ऑफ फ़ोर ख़रीद सकते हैं या फिर सेट ऑफ़ टू भी नेक्स्ट वन ओवर यर इसका भी वेट है टेन ग्राम्स प्राइस इज़ सिक्सटी फ़ोर थाउजेंड रुपीज़ ये जो प्राइस मैं आपको बता रही हूँ ये सिंगल बैंगल का वेट एंड प्राइस है तो सेट ऑफ़ टू वाले जो बैंगल्स होते हैं उसमें आप सिंगल बैंगल ख़रीद सकते हैं और यू कैन बाई सेट ऑफ़ टू नेक्स्ट वन अगेन आई एम शोइंग यू इज़ अ सेट ऑफ़ फ़ोर बैंगल्स काफ़ी खूबसूरत पिटन डिज़ाइन के बैंगल्स हैं इस तरह के बैंगल्स बहुत ही पॉपुलर होते हैं देखने में काफ़ी सुंदर होते हैं अगेन यू कैन बाय देम एज सेट ऑफ टू और एज सेट ऑफ फोर तो बहुत ही सुंदर लगते हैं ये बैंगल्स तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ये बैंगल को ट्राई भी किया है तो देखने में काफ़ी सुंदर है द वेट इज़ ट्वेल्व ग्राम्स एंड द प्राइस इज़ सेवेंटी थाउजेंड रुपीज़ फॉर दिस पर्टिकुलर बैंगल तो यहाँ पर जो भी वेट एंड प्राइस मैं आपको बता रही हूँ दैट इज़ फॉर सिंगल बैंगल्स नेक्स्ट वन ओवर हियर ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल टाइप ऑफ बैंगल्स हैं और थोड़े से ब्रॉड बैंगल्स हैं तो किसी भी फेस्टिवल या ओकेजन के लिए काफ़ी अच्छा है ना अगेन द वेट इज़ ट्वेल्व ग्राम्स एंड द प्राइस इज अप्रॉक्सीमेटली सेवेंटी थाउजेंड रुपीज़ नेक्स्ट सेट ऑफ बैंगल्स ओवर हियर ये पेयर मुझे काफ़ी अच्छा लगा इट लुक्स रियली ब्यूटिफुल बहुत ही खूबसूरत बैंगल्स हैं वेट इज़ एलेवन ग्राम्स प्राइस इज़ अराउंड सिक्सटी सिक्स थाउजेंड रुपीज़ फॉर दिस पर्टिकुलर बैंगल तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है शाइन और फिनिश काफ़ी अच्छा है नाउ हियर आई एम गोइंग टू शो यू माय परचेज फ्रॉम भीमा ज्वेलर्स तो भीमा ज्वेलर्स से हमने वर्मा लक्ष्मी के लिए कुछ स्पेशल परचेज़ किया है तो वो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तो so, पहले हम ज्वेलरी देख लेते हैं जो हमने ख़रीदा है एंड देन आई एल एक्सप्लेन यू द वेट एंड प्राइस ऑफ ईच ऑफ़ दिस ज्वेलरी कि मुझे कितना कॉस्ट पड़ा है और कितने वेट का है सो फर्स्ट वन ओवर हियर दैट आई एम शोइंग यू इज़ अ ब्यूटीफुल ब्रेसलेट पहले मैं आपको ब्रेसलेट के बारे में ही बता दूँ तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत डेली वेयर का ब्रेसलेट है इट्स अ लीफ टाइप ऑफ डिज़ाइन काफ़ी स्टर्डी ब्रेसलेट है आराम से आप इसे डेली वेयर कर सकते हैं तो मुझे इस तरह का डेली वेयर का एक ब्रेसलेट चाहिए था सो दिस इज़ लाइक अ चेन ब्रेसलेट तो बीच में डिज़ाइन किया गया है और जो एंड से दैट इज़ लाइक अ चेन डिज़ाइन तो डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है डेली वेयर के लिए अच्छा है तो दैट इज़ वाई आई हैव कॉट दिस और इसका जो वेट है वो भी कम है सो इट्स क्वाइट एन एफोर्डेबल ब्रेसलेट तो मुझे ये डिज़ाइन काफ़ी पसंद आई आप लोग भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि ये ब्रेसलेट आपको कैसी लगी नो लेट मी वेयर एंड शो इट टू यू ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए ब्रेसलेट कैसे दिखती है सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लेकिन मैं कैमरा को थोड़ा सा ऊपर से आपको दिखाती हूँ ये देखिए अगर आप इसे पूरी तरह से पहनेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा सो दिस इज़ द लीफे डिज़ाइन और जो बैक साइड पे है वो चेन डिज़ाइन है मैंने यहाँ पे ठीक से पहना नहीं है बट दिस इज़ हाउ इट लुक्स और ये इत हुक लगा हुआ है तो दैट इज़ लाइक अ हुक डिज़ाइन तो चलिए अब नेक्स्ट परचेज मैं आपको दिखा देती हूँ तो यहाँ पर ये देखिए ना दिस इज़ अनादर थिन बैंगल दैट आई हैव गॉट ओवर हियर मुझे सिंगल बैंगल्स काफ़ी पसंद है जो लोग मुझे कुछ दिन से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि मैं एज अ सेट ऑफ टू या फिर पेयर ऑफ बैंगल्स नहीं लेती आई जस्ट बाय अ सिंगल बैंगल तो ये बैंगल मैंने अभी आपको बैंगल्स कलेक्शन इन भीमा में ही दिखाया था सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स सिंपल सा बैंगल है इट्स अ फ्लैट बैंगल डेली वेयर के लिए बहुत ही अच्छा है और इट्स क्वाइट स्टर्डी तो दस ग्राम का है ये बैंगल जैसे मैंने आपको दिखाया वीडियो में तो ये इस तरह का है तो मुझे बैंगल्स पसंद है आई लाइक टू वेयर देम बिहाइंड माई वॉच उसके पीछे अच्छा लगता है तो मैं कुछ इस तरह से इसे पैर करती हूँ या फिर आप एक हाथ में घड़ी और एक हाथ में बैंगल ऐसे भी स्टाइल कर सकते हैं डिपेंड्स ऑन योर चॉइस बट आई लाइक टू स्टाइल इट इन दिस वे मुझे इस तरह से पसंद है तो ये बैंगल तो मैं ऑब्वियसली रोज़ पहनूंगी ही मुझे काफ़ी पसंद आया है ये डिज़ाइन तो चलिए थोड़ा सा वेट और प्राइस के बारे में भी बात कर लेते हैं बट बिफोर दैट गाइस प्लीज़ प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरी परचेजेस कैसी लगी आई वुड लव टू रीड दैम तो ये देखिए ये रहा बिल तो दोनों ही चीज़ों का है बैंगल एज़ वेल एज़ द ब्रेसलेट तो सबसे पहले मैं आपको बैंगल का बता देती हूँ तो 22 कैरेट गोल्ड का है रेट इज़ 5179. वन सेवन नाइन पर ग्राम तो जो ग्रॉस वेट है बैंगल का दैट इज़ टेन ग्राम्स नेट वेट भी उतना ही है क्योंकि इट्स अ गोल्ड बैंगल अमाउंट इज़ फिफ्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टीन और जो वेस्टेज वाला अमाउंट है या फिर जो मेकिंग चार्जेस आप कहते हैं दैट इज़ फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव रुपीज़ तो टोटल तो मुझे पड़ा है ये फिफ्टी एट थाउजेंड वन हंड्रेड एंड सिक्सटी रुपीज़ फॉर दिस वन बैंगल तो ये इसका प्राइस है तो नेक्स्ट वाला जो है दैट इज़ द ब्रेसलेट ब्रेसलेट के बारे में बात कर लेते तो ब्रेसलेट जो है दैट इज़ जस्ट फाइव पॉइंट फोर ग्राम्स बैंगल 10 टेन ग्राम्स और इसका जो ज्वेलरी अमाउंट है दैट इज़ ट्वेंटी एट थाउजेंड वन ट्वेंटी वन रुपीज़ मेकिंग चार्जेस जो है दैट इज़ फोर फोर नाइन जीरो सॉरी फोर फोर डबल नाइन यानी कि ऑलमोस्ट चार हज़ार पाँच सौ तो टोटल तो मुझे पड़ा है थर्टी टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन रुपीज़ का है तो दोनों का अगर हम मिला लें तो नाइन्टी 781 एटी के दोनों ज्वेलरीज हैं तो इसका ये इस सब तो कुछ थोड़ा बहुत डिस्काउंट था बीमा में वो सब लगा है एंड प्लस द टैक्सेस आपको पे करना है सो फाइनल सॉरी नाइन्टी टू थाउजेंड एट हंड्रेड सेवेंटी ही फाइनल अमाउंट है लेकिन मैंने कुछ गोल्ड एक्सचेंज किए थे विच वॉस थाउजेंड एट सेवेंटी तो गॉट अ क्रेडिट मेमो वर्थ ऑफ टू थाउजेंड तो जो प्राइस है फाइनली दोनों ज्वेलरीज़ का दैट इज़ एक्चुअली नाइन्टी टू थाउजेंड एट हंड्रेड एंड सेवेंटी रुपीज़ तो फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आज आपको मेरी ज्वेलरी परचेज कैसी लगी साथ ही बैंगल कलेक्शन आपको कैसा लगा है मुझे ये दोनों परचेसेस काफ़ी अच्छे लगे मुझे ब्रेसलेट पहनना पसंद है प्लस इवन आई लव वेयरिंग बैंगल्स तो इसीलिए मैंने ये दो ज्वेलरी परचेजेस की है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन की वर्मा लक्ष्मी में आप लोगों ने क्या परचेज़ किया है इन गोल्ड आई वुड लव टू हियर योर कमेंट्स साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें हम ऐसे ही यूनिक और अमेजिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आते हैं इफ़ यू आर एन एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर और आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें हम बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेके आते हैं हैं साथ में कमेंट सेक्शन में यह भी बताएं कि आगे चल के आपको चैनल पे कौन सा वीडियो देखना है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टूडे वीडियो स्टे सेफ प्लेस्ड हैव अ ग्रेट डे विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर एंड बाय